हेलो हेलो। और आपको कैसे आ रहे? मैं 20+ years ही हो गए होंगे, मतलब मैं बहुत छोटी थी तब से ही आ रही हूँ। बचपन से पहले यही था, अब तो शादी के बाद कहीं और है, लेकिन यहीं पे जा रहे हैं। यहीं पे ही आती है, बहुत अच्छा है। वही है मेट्रो जो चल रहा है शुरू से, वही है। पहले इनके पापा थे, अभी भी इनके पापा ही होते हैं। वेलकम, कैसे आप सर? आज हम जिठा रोड पर आए हैं, जहाँ पर कश्यप पोटैटो चॉप्स की उनकी शॉप है, जहाँ बन टिक्की और प्लेन टिक्की काफ़ी फेमस है, और उनसे बात करते हैं। 37 साल हो गए उनकी शॉप को, और पूछते हैं कि उन्होंने ये स्टार्ट की और वो कितनी देर से ये काम कर रहे हैं। तो लोकेशन देख लें, ये मीठा रोड की तरफ आ रहा है रास्ता, और यहाँ गुरुद्वारा है सामने, उसी के सामने इनकी शॉप है, आप आसानी से आ सकते हैं। नमस्ते भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उज्जवल है। हाँ जी, उज्जवल। उज्जवल, और ये आपका काम किन्होंने स्टार्ट किया? ये मेरे फादर साहब ने। फादर साहब ने, कितने साल हो गए? 38 साल हो गए। 38 साल हो गए। और कौन कौन सी वैरायटी तैयार करते हैं यहाँ पर? हम आलू टिक्की, प्लेन टिक्की, पनीर वाली आलू टिक्की और बन टिक्की करते हैं। हाँ, स्पेशल बन टिक्की होती है। प्राइस टिक्की का है 40 रुपीस और बन टिक्की का है 50 रुपीस। टाइमिंग शाम को 4 बजे से लेके रात को 10:30 बजे तक। 4 बजे से 10:30 बजे छुट्टी बस लास्ट संडे महीने के। हाँ हाँ, सभी दोनों काम चलते हैं, पैकिंग और यहाँ पर भी खाते हैं लोग। बैठने के लिए सिटिंग है हमारे पास। और कौन सी लोकेशन पड़ती है आपकी? लोकेशन ये कालामाला चौक मजीठा रोड के पास। कालामाला चौक मजीठा रोड, सामने गुरुद्वारा साहब है। हाँ, आसानी से आ सकता हूँ, ये आना चाह रहे हैं। आपने कौन सी फीलिंग तैयार करके रखी है? ये दाल वाली पिट्ठी होती है, चने वाली पिट्ठी, आलू है मिक्स उसमें। हाँ, उसमें फ्राइड आलू मिक्स होता है, चने की दाल और प्लेन आलू भी है साथ में। हाँ, ये प्लेन आलू। ठीक है, और कोई मसाला वगैरह पड़ता है इसमें? मसाला हमारे जो घर में ही होता है, वो मेनली जो सब्जियों में, जो चटनी वगैरह, इमली की चटनी होती है, चटनी एक मीठी होगी और मीठी, और एक मिर्च वाली, जो पुदीने वाली, और साथ में क्या दही है? हाँ, ये दही होता है। अच्छा, प्याज वगैरह कुछ नहीं देते आप? नहीं, वो सैलेड में प्याज, सैलेड में प्याज है। ठीक है, और सर्दियों में मूली वगैरह चलती होगी? हाँ। ठीक है, हमारे लिए बन टिक्की एक तैयार कर दें। तो दोस्तों भैया ने बन टिक्की तैयार कर दी है, और उन्होंने बन लगाया, ऊपर आलू की पेस्ट लगाई है, और फिलिंग वाली है दाल वाली, प्याज है, दही है, और ग्रीन सॉस डाली उन्होंने, और मीठी है, और इसकी हम बाइट लेकर बताते हैं आपको। ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई है फ्राई करके, काफ़ी टेस्टी है, अच्छी है। आप जैकिन लीटर रोड की तरफ आएंगे तो ट्राई करके जा सकते हैं, आसानी से पैक भी करवा के ले जा सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।